बैक टू केविन कुक्स एंड आई नो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था, दैट्स द रीज़न बिकॉज मेरे को कई लोग काफ़ी हेट करते हैं एंड मैं उनसे थोड़ा निपट रहा था एंड मेरे को बहुत अजीब लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ों वेट मैं लाइट चेंज करके आता हूँ वेट अरे यार टार्च ने तो कूल होने दो ओके बेस्ट तो एंगल से करूँगा ताकि मेरा फेस दिखे। तो आज की रेसिपी के लिए चाहिए हमें दो ओरियो यहाँ पर। यस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो डिलीशियस चाहिए। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं तुम्हें चीज़ वगैरह बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें दो ओरियो चाहिए एंड तुम्हें एक प्लेट ले लो। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों ओरियो उसके ना क्रीम निकाल देंगे, मैं क्रीम निकाल लेता हूँ एंड मैं इन दोनों को सेपरेटली रखूँगा। हम चॉकलेट वाले का बनाएंगे उसे क्या कहते हैं, हाँ ओरियो क्रीम बॉल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओरियो निकालना है, परफेक्टली क्रीम निकली एंड हमें इसे साइड कर देना है। इसे मैं इसके साथ करूँगा, मैं क्रीम इसकी अलग से रखूँगा क्योंकि मेरे को इससे एक डो बनाना है, मतलब एक स्पेशली टाइप ऑफ एक लिक्विड होता ना दैट्स मेरे को वो बनाना है। तो मैं जल्दी से कॉली वगैरह इकट्ठी करके मिलता तुम्हें। ओके तो इस ओरियो में से मैं क्रीम निकाल देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूदी। ओके परफेक्टली निकल गई क्रीम इसमें से, अब इसको मैं ऐसे रख देता हूँ एंड अभी ऑफकोर्स मैं इसको दोबारा निकाल दूँ। परफेक्टली यार पहले निकलते नहीं थे, इतने ज़्यादा से चिपके होते थे ना आई थिंक। हाँ मैं क्रीम वाले ज़्यादातर लेता हूँ क्योंकि मुझे क्रीम वाले पसंद है। आपको कौन से पसंद है प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरे को क्रीम वाले बहुत अच्छे लगते हैं, आई मीन ओरियो आई मीन चॉकलेट वाले, चॉकलेट या वनीला टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके तो मैं इतना मैं निकाल ली है क्रीम, क्रीम मैं कंटेनर में गैदर कर रहा, मतलब मैं कॉल में गैदर कर रहा तो ये परफेक्ट। मैंने यहाँ पर टावर बना लिया जिसमें क्रीम नहीं है, क्रीम मैंने इस कॉल में निकाल लिया। अब मैं दूध लेके आता हूँ क्योंकि मेरे को इसकी जो लाइक चॉकलेट वाला वो सब होता है ना सामान, मेरे को उसके लिए चाहिए क्रीम आई मीन मिल्क। तो मैं लेके आता एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वही इसका भी सेम करना, मेरे को क्रीम अलग से निकालनी है। तो मैं तुम्हें दो मिनट में मिलता हूँ एंड अलसी हो गई, तब तक मैं ये सब काम करके तुम्हें मिलता हूँ। ओके ओके तो मैंने यहाँ पर दूध ले लिया दूध, अब मेरे पास ये स्टैक है, तब तक मैं ये भी कर देता हूँ काम सारे बता दो क्या करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है इसे एंड एंड मेरे को कौन से लेटर्स मिले हैं, वैसे तो अभी ये बंद हो गया लेटर्स वाले बट मेरे पास लेटर वाला मिल गया मेरे को। तो मेरे को मिले हैं LRYG GRLY गर्ली आई हेट गर्ल्स, नहीं मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ। ओके अगेन मैं इसको दोबारा से कंटेन कर लेता हूँ साइड में एंड ये भी परफेक्टली निकला इस पर, आई डोंट नो हाउ बट निकल गया। ओके अब इसकी क्रीम अलग से सेपरेट करनी है ठीक है। व्हाट ये आए हैं गर्ली एक्चुअली आए GRLY वेट व्हाट लेट मी सी ले आता हूँ, दिस इज एक्चुअली मेकिंग गर्ली इफ यू डोंट नो। मैं बाद में तुम्हें फोटो खींच के दिखा दूंगा यार, अभी इसका सेटअप करना इम्पोर्टेंट लगता है। अच्छा अच्छा क्रीम बेटर, अब मैं इसकी क्रीम को निकाल लेता हूँ। तो सिंपली हम एक क्रीम का एक डो बनाएंगे एंड ऑफकोर्स यप मेरे को डो बनाना है दोनों चीज़ों का। तो मैंने जो वनीला वाले में से निकाला था मैं वो वाला यूज़ करूँगा सेपरेटली, मैं उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन यूज़ करूँगा अपने ओरियो बॉल को बड़ा बनाने में।
दैट साउंड्स वियर्ड आई नो, एंड मैं इसको क्रश करके इसके अंदर थोड़ा सा डाल दूंगी क्योंकि ये चॉकलेट ही नहीं है, तो मैं एक तो ये डाल दूँगी बेटर। एंड मैं इसे निकाल रहा हूँ एक बटर नाइफ से, एंड ये रियल नहीं है बटर नाइफ है, दिख रहा है इसमें इतनी धार नहीं है। दैट इज टेस्टी, वाह। मैंने बस इसका हल्का सा नाइफ लगाया तो क्रीम पहले निकल गई। ओके ओके, अब नाउ लेट मी सेट दिस अप ताकि तुम्हें पता चले कि मैंने अगर मेरे दोस्तों ने बुलाया तो दैट वुड बी सैड। ओके परफेक्टली, अब जो मैंने क्रीम ली है ये पैकेट से, अभी मैं इसको एक इसको मुश मुश करके एक डो बना लूँगा। ओके लेट मी मेक अ डो। भाई यार वो टेस्टी है ये, इसका मैं डो बना लूँ इतना अजीब लग रहा है इससे, जैसा मैंने वीडियो में देखा उस हिसाब से बना लूँगा। एंड या आई एम नॉट अ प्रोफेशनल शेफ तो प्लीज़ मेरे को नहीं आता। ये चॉकलेट बॉल कितनी टेस्टी लगी राइट। इसका डो बहुत टेस्टी बनेगा। अब क्या करना है, मैं इसे छोटे छोटे पार्ट्स में काट लूँगा एंड मैं इसे फ्रीजर में रख दूँगा 25 मिनट्स में, तो तब तक मैं वो सब काम कर देता हूँ। एंड इसका भी हमें सेम करना है, इसको क्रश करना है, फिर इसका अलग से हमें बनाना है एक क्रश करके दोबारा डो बना लेना है, तो वो सब मैं काम करता हूँ। तब तक वीडियो लंबी ना हो और तुम्हें मज़ा आना है, मैं वो काम करता हूँ। एंड सी या, एंड जब तक मैं काम कर लूँगा तब तक तुम इसे बनते हुए देख पाओगे। मैं क्या करना है, इसके 4 पोर्शन कट कर लेना है, इसको फ्रीजर में रख देना है, एंड वही इसका भी क्रश कर लेना है, इसके इसका ये वाला पार्ट है, इसको क्रश कर लेना, फिर इसमें थोड़ा 1 स्पून पानी डालकर उसका भी डो बना लेना, फिर उसके भी पीसेस कट करके उसे फ्लैट कर देना, उसके अंदर जैसे ये फ्रीज होंगे उन सबको डाल देना, वो सारे पीसेस को इसके बीच में डालकर उसे रोल कर देना, उसे एक रोल बना देना। एंड मेक श्योर कि ये वाली बॉल छोटी हो और इससे बनी हुई क्रश्ड हुई बॉल बड़ी हो, तो ये सब काम करते हुए मैं मिलता हूँ तब तक ये फ्रीज होंगी। एंड सी या, सो गाइस न्यू अपडेट, मैंने जस्ट उसे अभी फ्रीज़र में रखा है, मैं इसका पेस्ट बना लिया, मतलब इसका छोटा छोटा क्रश कर लिया और मैं इसको इतना इतना कर दिया, मतलब मैंने प्लेट में डालकर उसे क्रश करने की कोशिश की बट नहीं हुआ, तो मैंने ब्लेंडर की हेल्प ली, मैंने सोचा ब्लेंडर की ना करेंगे चलिए कभी नेक्स्ट। मैंने सारे चॉकलेट पाउडर जो है निकाल लिया, अगर मेरे को जरूरत मतलब कम अगर ज़्यादा हुआ तो मैं ऐसे यूज़ भी कर लूँगा अपने आगे वाले पार्ट में। चलो फिर मैं करके देता हूँ, तुम जब तक थोड़ी देर वेट करो मेरे लिए, तो 2 मिनट तुम्हारे लिए, 1 सेकेंड है, तो लेट मी गेट रेडी। ओके सो गाइस, मैंने दोबारा से इन सारी बॉल्स को इकट्ठा कर दिया, अंडे जम चुके भाई पूरी तरह जम चुके, देखो दिस एक्चुअली लुक्स लाइक कैडबरी शॉर्ट्स। एंड अब क्या करना है, अब ये जो मैंने क्या करा था,
मैंने जैसे ही उनका पाउडर बनाया, मैंने उसमें पानी डाल के एक ऐसे कर करके एक बैटर बनाया, फिर मैंने उसकी एक बॉल बनाई, फिर मैंने उसके 4 हिस्से करे एंड देन फिर मैंने उससे ये छोटे छोटे बना दिए। अब एक सर्कल सा बनाना है एंड अभी इसके बीच में मैं बॉल रख के एंड इसे रोल कर लेना है एंड देन इसको कवर कर लेना है समोसे की तरह, जैसे हम समोसे में करते हैं। एंड देयर वी गो, बन गए हमारी ओरियो बॉल। एंड अभी तो वैसे कंप्लीटेड नहीं है, मैंने इसके लिए एक चॉकलेट भी बनाई है जो कि मैंने तुम्हें बताया था मैं अलग से क्रीम से बनाऊंगा। एंड हेयर इट इज़, बहुत गाढ़ी बनी है ये, बिकॉज जितनी गाढ़ी उतनी टेस्टी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया होनी है। तो मैं इन सब गोल्स को फ्रीज करता हूँ, फिर मैं जब चॉकलेट डालूंगा फिर तुम्हें बाहर दिखा तो बहुत सैटिस्फाई होगा। ओके सो आई मीट यू, लेट्स सी। सो ये है हमारी बॉल्स, वेट मैं ज़रा कैमरा क्लियर कर, बेटर। तो मैं ज़रा गैस ऑन करता हूँ, मैं थोड़े टाइम के लिए गैस पर रखता हूँ। द हेक डूड, ये कभी मेरे टाइम पर चलती क्यों नहीं है, लेट मी जस्ट रिप्रिंट। हाँ ठंडा है, मेरे लोग गर्म है इसलिए मैं 3, 2, 1 ओके बर्न्ड। अब क्या कर, अभी मैं इसको इसके ऊपर ऐसे घुमा देता हूँ। ओके गर्म हो चुकी है। एंड वेट वेट यार, मैं अपने नाइफ को थोड़ा गर्म कर देते हैं, इसमें कुछ सीजनिंग, बस बहुत है। मैं अपने नाइफ को इतना गर्म नहीं करना चाहता। सो हियर इज अ चॉकलेट जो मैंने अपने घर पे बनाई थी। नाउ लेट्स पुट ऑन इट द बॉल्स। आई नो दैट साउंड्स टू वियर्ड बट या बॉल्स, डीज नट्स, या बाय द वे डीज नट से मेरे को मिस्टर बीस्ट याद आया, मिस्टर बीस्ट से मेरे को याद आया के एस एंड के एस एस याद है मेरे को, लोगन पॉल जिससे मेरे को याद आ गई, प्राइम एंड सबको पता है प्राइम इंडिया में नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है क्या फॉर के जो मिस्टर बीस्ट के एस एम, मैं जस्ट अभी मिस्टर बीस्ट की वीडियो देख रहा था बाय द वे इससे जस्ट पहले। एंड तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर बीस्ट के एस और लोगन पॉल को अपनी विड अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च करने चाहिए, व्हाट यू से, ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ बताओ। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी कंटेंट की और वीडियो चाहिए तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर बनाऊँगा। दैट लुक्स सो टेस्टी। ओके जल्दी से मैं इसे अपनी मम्मी के पास लेके चलता हूँ एंड उनसे कटवाते हैं। एंड ये चॉकलेट बहुत टेस्टी है, इसे बनाने के लिए जस्ट सिंपली मैंने अपने ओरियो की क्रीम्स लिया एंड ये रहा गर्ली, ये देखो परफेक्टली गर्ली लिखा हुआ है। मैं एक बार इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ बिकॉज दिस इज रेयर एंड मैं अपने रेयर ओरियो इंसिडेंट्स की फ़ोटो जो है खींचता रहता हूँ। तो मैंने इसके लिए बस ओरियो की क्रीम निकाली, उसे इसके अंदर डाला एंड फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका जो क्रश कर रहा था फिर मैंने उसे डाला, पर उसके जो चंक्स थे काफ़ी मोटे मोटे से थे, तो मैंने क्या करा वही ब्लेंडर निकाला, यहाँ पर ब्लेंडर्स वगैरह पड़े रहते हमारे, तो मैंने उसमें ग्राइंड करके फिर मैंने एक्चुअल छोटे छोटे पीसेस को ऐसे डाला, मतलब परफेक्टली ग्राइंडर वाले उस पार्ट को अंदर डाला एंड इतना टेस्टी बनी है। उसके बाद मैंने इसमें कर ये चीज़ करते वक्त मैंने इसके अंदर डाल दी थोड़ी सी कॉफ़ी, एंड ये डेरी मिल्क से कम नहीं है आइसक्रीम। ओके चलो सुपर लेके चलते हैं। ओके मैं सिर्फ इसी पे फोकस करता हूँ ताकि किसी का नंबर प्लेट वगैरह ना दिख जाए।
ओके लेट मी ओपन द डोर यार. एक हाथ से व्लॉगिंग करते वक्त एक हाथ से पकड़ना इज सो हार्ड. हे मम, फाइनली तैयार हो गई. पहले कौन टेस्ट करना चाहेगा बताओ. मम्मा इसको बीच में से कट कर दो. ये ओरियो की है. दैट इज नॉट टू ईट इट, इट्स ओके राइट. ओरियो वाली है, ओरियो है. सुनो तुम्हारे साथ क्या हुआ. लेट्स चेक. मैं अभी फर्स्ट टाइम टेस्ट करूँगा. एंड ये सॉफ्ट हो चुकी है. बेटर ओरियो लग गया. ओके सो गाइस, मेरे पापा तो काफ़ी ट्रिगर हो गए थे. एंड वो मूवी देखते वक्त ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, उन्हें पसंद नहीं है वैसे तो ऐसी चीज़ें खाना. बट उन्हें ये नहीं पता कि ओरियो से बनी हुई है. नहीं खाए इट्स ओके, बट बहुत टेस्टी बनी आई स्वेयर. यू शुड ट्राई. एंड मैं तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सलाम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. तो मैं छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ. मैं दिखाता हूँ कैसा लग रहा है सेंटर में से. सो लेट मी जस्ट टेक इट साइड. आई नो दिस लुक्स लाइक अ सुशी और समथिंग. लेट मी टेस्ट इट. काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है. बहुत टेस्टी है. क्रीम भी. सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए. सहना थैंक्स फॉर वॉचिंग. और ये काम तो हो गया. बाय.